अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नवीद और बिलाखिर आज मैंने साग पराठा बनाने वाले वायरल बाबा जी जो हैं उनको ढूंढ निकाला है। आज उनके जो पराठे बनाने का स्टाइल है, तरीकाकार है, आज मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूं। क्योंकि बाबा जी साला साल से तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा उम्र से वो फुटपाथ के पास ये पराठे जो हैं वो लगाते हैं, आलू पराठा लगाते हैं और साथ में जो है वो साग होता है, मक्खन जो होता है खालिस मक्खन, साथ में आलू पराठा और कमाल का ऊपर जो साग है वो रखते हैं। साला साल जो ये साग है वो चलता रहता है और ये खूबसूरत और लजीज जो पराठे हैं वो तैयार करते हैं। साग का सीज़न हो या ना हो, लेकिन बाबा जी के पास आप लोगों को साग जो है वो ज़रूर मिल जाता है। क्योंकि बाबा जी जो है वो 40 साल से भी ज़्यादा उम्र से आलू पराठे और साथ में साग और देसी मक्खन, साथ में आप ये देख भी रहे हैं, ये आलू का बना हुआ है और ये साथ में मक्खन है और ये आपको मैं दिखाता हूँ साग, ये देखिए वाओ अमेजिंग। और ये बाबा जी आप पेड़े बना रहे हैं और ये बहुत ही प्यारे और लजीज जो है वो पराठे बनाते हैं। और ये बाबा जी जो हैं ये साग पराठे वाले बाबा जी जो हैं वो मशहूर हैं। इनकी एक पहले भी वीडियो जो है नेट पे किसी ने लगाई थी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुई थी। तकरीबन जो है मेरा ख्याल है 10 लाख से लगभग जो है लोगों ने उसको वाच किया था। क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैंने खसूसी बनाई है, क्योंकि बाबा जी बहुत प्यारे खूबसूरत और लजीज जो है वो पराठे बनाते हैं और इनका साग जो है वो कमाल होता है। क्योंकि गरम गरम पराठे और ऊपर जो साग है वो रखा जाता है और साथ में देसी मक्खन जो है वो ऊपर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं देसी मक्खन जो ऊपर लगाया जा रहा है और ऊपर अब ये भाई जो हैं इनके ऊपर साग जो है वो रखेंगे। ये बाबा जी के जो हैं वो बेटे हैं और ये भी साथ इनके जो हैं वो काम करते हैं। बाबा जी के 2-3 बेटे भी साथ में काम कर रहे हैं और बाबा जी भी जो हैं ये काम जो है वो कर रहे हैं, ये साला साल से यही काम कर रहे हैं। और इनके जो मशहूर पराठे हैं साग वाले पराठे से कहते हैं, ये 2 पेड़े करते हैं, बीच में आलू वाला जो सालन बना होता है वो लगाते हैं और उसके ऊपर खालिस देसी मक्खन जो है वो लगाते हैं और एंड के ऊपर उसमें गर्मा गर्मा साग और बीच में मक्खन डाल देते हैं। और ये इनका बहुत औसम स्टाइल है, ये देख सकते हैं गर्म गर्म पराठे और उसके ऊपर गर्म गर्म जो साग है वो रखा जा रहा है। अब ये ऊपर ऊपर मक्खन जो है वो डाल रहा है, ये आप देख सकते हैं देसी मक्खन जो है और इससे जो पराठे इनका जो मज़ा है वो दुबला हो जाता है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।